नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ब्रह्मा और विष्णु की एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो अपने आप को शक्तिशाली कहने पर विवाद होने लगा। विवाद बढ़ता गया तो आकाश में अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ अनंत था, न उसका कोई आदि था न अंत। दोनों देवताओं ने यह समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है और वे इसे समझने के लिए उत्सुक हो उठे। अनंत स्तंभ की खोज ब्रह्मा और विष्णु ने यह निर्णय लिया कि वे इस स्तंभ का आरंभ और अंत खोजेंगे। ब्रह्मा ने ऊपर की दिशा में उड़ान भरने का निर्णय लिया, जबकि विष्णु ने नीचे की दिशा में जाकर इसका अंत खोजने का निश्चय किया। ब्रह्मा की यात्रा। ब्रह्मा ने हंस के रूप में आकाश में उड़ान भरी और स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। वे लगातार उड़ते रहे लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक केतकी फूल को देखा जो आकाश से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस फूल से पूछा कि वह कहां से आया है। केतकी ने बताया कि वह इस स्तंभ के शीर्ष से आ रहा है। ब्रह्मा ने उस फूल को गवाह बनाकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है और वह फूल उनकी गवाही देगा। विष्णु की यात्रा। विष्णु ने वराह सुअर के रूप में धरती के भीतर खुदाई शुरू की। उन्होंने भी अनंत समय तक खुदाई की लेकिन उन्हें भी स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। विष्णु ने समझ लिया कि यह स्तंभ अनंत है और इसके अंत तक पहुंचना असंभव है। वे थक कर लौट आए और शिव के आगे अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। सत्य का उद्घाटन। जब दोनों देवता वापस आए तो ब्रह्मा ने केतकी फूल के साथ झूठी गवाही दी कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। विष्णु ने अपनी असफलता को स्वीकार किया और शिव के समक्ष अपना सिर झुका दिया। तभी अचानक शिव ने उस अनंत स्तंभ के मध्य से एक ज्योतिर्मय रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और केतकी फूल के झूठ का पर्दाफाश किया। परिणाम शिव ने ब्रह्मा के इस झूठ के लिए उन्हें श्राप दिया कि उन्हें पूजा नहीं जाएगा और केतकी के फूल को भी श्राप मिला कि वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग नहीं किया जाएगा। विष्णु के सत्य और समर्पण के कारण शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदा पूज्य रहेंगे। कहानी का अर्थ इस कहानी का गहरा अर्थ है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार और झूठ के स्थान पर सत्य और समर्पण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी दर्शाता है कि भगवान शिव सबसे महान है और उनके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। त्रिदेवों में संतुलन और परस्पर सम्मान की भावना की भी यह कथा महत्ता को रेखांकित करती है। शिवलिंग, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है, इसी कथा से जुड़ा हुआ है। यह अनंत स्तंभ का प्रतीक है जो शिव के अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप को दर्शाता है। इस प्रकार लिंगोद्भव की यह कथा हिंदू धर्म में शिव की महत्ता को समझने और उनके पूजन की परंपरा को स्थापित करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।